करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हर एक एग्जाम में भले मैं नीट की बात करूं जय की बात करूं तो अगले पांच मिनट बिल्कुल स्किप मत करना और ये वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप अपने 16 नंबर को कंफर्म करना चाहते हैं तो तो फटाफट फड़ शुरू करते हैं हमारे करंट के रिविजन को सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे देखने वाला रहता है वो है हमारा ओम्स लॉ का एक और वर्जन जिसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं जिसमें जे वैक्टर इज इक्वल टू तो सिग्मा इंटू ईर होता है क्लियर है ओके सर और यहाँ पे एक और मजेदार चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि हाँ पे सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी जिसकी वैल्यू एनी स्क्न एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम भी डिपेंड करती है जिसका डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है मोबिलिटी की, तो e, e की बात करें तो अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो ई e ताओ अपॉन एम होता है आपकी मोबिलिटी की वैल्यू इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं तो प्लीज आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए फिर बात करते हैं होम स्लॉ की जो कि बोलता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जिससे

होता है वो आर बाई एन हो जाता है इसी के तहत सेल्स जो आपकी सेल्स रहती हैं उनमें भी इक्वलेंट रेजिस्टेंस इक्वलेंट सेल

टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके ईएमएफ में से आईआर आर घटके होता है और जब कभी भी बैटरी एक लोड की तरह काम करती है मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट आएगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई हो जाता है इसका एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस ये भी आता है कि अगर मान लो एक ई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और वो एक्सटर्नली आर से कनेक्टेड है तो इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या रहता है उसका कॉन्सेप्ट बस ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी तो उस केस में आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गैल्वेनोमीटर का अब गैल्वेनोमीटर एज अ डिवाइस तो नहीं लेकिन हाँ उसका जो कन्वर्जन रहता है कैसे वो एम मीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो जब कभी भी आपको गैल्वेनोमीटर को एक एम मीटर में कन्वर्ट करना हमेशा याद रखिएगा आपको पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी

गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी यहां पे एक और बात गौर करो इस बैटरी को इस गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस कर सकता हूं और तब भी ये एग्जिस्टिंग कंडीशन में रहेगा और ये वैसे ही वर्क करेगा इसका एक बहुत स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता है आपका मीटर ब्रिज जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें एक नोन रेजिस्टेंस रहता, रहता है और एक अननोन रहता है और उसको एक 1 मीटर के वायर पे लगाया जाता है ये जॉकी

इस पूरे चैप्टर का आई होप यू लाइक इट अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक like करिएगा और अदर फर्दर वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करिए कि और कौन से वीडियो को आप देखना चाहते हैं पांच मिनट के अंदर टिल देन थैंक यू बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू